Good morning, my dear children of class 7. On the chapter 2, Brave in Life, Brave in Death, कल पढ़े उसी में थोड़ा सा बाकी लग गया था, आगे हम बढ़ाते हुए यहाँ तक जाने कि यह निर्जा बनौट का आतंक का निर्जा बनौट की मृत्यु हो गई है आतंकवादियों के द्वारा। इसके आगे हम चलते हैं द साइटेशन बाई, जहाँ तक पढ़े उसी का अगला है पैराग्राफ है। द साइटेशन बाई पान एम राइटली से निर्जा वाज कॉल्ड अपॉन अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन। निर्जा वाज कॉल्ड अपॉन, निर्जा ने अपनी जिम्मेवारी ली थी बहुत ही विकट डिफिकल्ट कंडीशन, एट द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, और सबसे वह कठिन समय था टू स्टेप फॉरवर्ड इन ए पोजिशन ऑफ लीडरशिप, और नेतृत्व के लिए आगे बढ़ने के लिए वह सबसे कठिन समय और सबसे कठिन परिस्थिति में यह नेतृत्व का उन्होंने जिम्मेवारी लिया था। एंड हर हीरोइक एक्शन वी आर क्लियरली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, और उनका वीरतापूर्ण कार्य स्पष्ट रूप से उत्तरदायी था सैकड़ों यात्रियों को जान बचाने के लिए। द वीकेंड रिव्यू रिमार्क सी वाज ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ। वीकेंड रिव्यू एक समाचार पत्र है, उन्होंने अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया था कि वह जीवन में भी बहादुर थी और मरने में भी बहादुर थी, यानी बहादुरी के साथ अपने जीवन को भी जिया और बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वह वीर गति को भी प्राप्त हुआ। द ओनली स्टुअर्डनेस टू हैव कमांडेड एन एयरक्राफ्ट एंड हेल्ड द हाई जैकर्स एट बे वॉज एन इंडियन। द ओनली स्टुअर्ड, वहीं जहाज पर एक वहीं एक फ्लाइट अटेंडेंट थी जिन्होंने वायुयान का संचालन किया उस विकट परिस्थिति में, जो हाईजैकर के द्वारा अपहृत हो चुका था, और वहीं एक भारतीय थी। निर्जा बानौट रिसीव द अशोक चक्र, निर्जा बानौट को अशोक चक्र का सम्मान दिया गया, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, जो बहादुरी के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत का बहादुरी के लिए सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। द अशोक चक्र साइटेशन स्टेट्स अशोक चक्र जब दिया जा रहा था उस समय का उदाहरण है, उस समय जो संदेश दिया गया लोगों को, हर लॉयलिटी टू द पैसेंजर ऑफ द एयरक्राफ्ट इन डिस्ट्रेस विल फॉल एवर बी ए लास्टिंग ट्रिब्यूट टू द फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। उनकी वफादारी यात्रियों के प्रति, वायुयान के यात्रियों के प्रति उनकी वफादारी को उनके इस उच्च गुणवत्ता को मानवीय भावना के रूप में एक मिसाल पेश करते करेगा और यह एक मिसाल कायम करेगा। सी वाज अवार्डेड द तमगा ए इंसानियत,
पाकिस्तान का यह अवार्ड है, फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड, ऑल्सो द मेडल ऑफ हीरोइज्म ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ सन्स ऑफ द अमेरिकन रिवोल्यूशन, यानी पाकिस्तान से भी उनको अवार्ड मिला। तमगा ए इंसानियत, फिर फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड मिला, फिर यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा भी उनको इस बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला, सम्मान मिला। निर्जा पेरेंट्स वेयर सैटर्ड एट प्राउड ऑफ देयर डॉटर्स हीरोइज्म। निर्जा के माता पिता टूट चुके थे, फिर भी अपने बेटी के वीरतापूर्ण कार्यों के प्रति उन्हें गर्व था। दे सेट अप ए ट्रस्ट विथ एन इनिशियल अमाउंट ऑफ 36.5 लाख। वे एक ट्रस्ट स्थापित किए, शुरुआती उनके पास जो मुद्रा था वह 36.5 लाख से एक ट्रस्ट का उन्होंने स्थापना किया। द ट्रस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स दोज हु रिफ्लेक्ट द हीरोइक क्वालिटीज ऑफ निर्जा कैरेक्टर। यह ट्रस्ट सम्मानित करता है, पुरस्कार देता है उन लोगों को जो निर्जा के चरित्र की भांति अपने वीरतापूर्ण गुणों को दर्शाते हैं। द ट्रस्ट गिव्स 2 annual awards ऑफ 1.5 lakh ईच। प्रत्येक व्यक्ति को या द्विवार्षिक समारोह में यह देता है प्रत्येक व्यक्ति को 1.5 lakh। एक अवार्ड गोल टू एन एयरलाइन क्रू मेंबर, वैसे जहाज पर रहने वाले सदस्यों को दिया जाता है हु एक्ट बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी अंडर ट्राइंग सरकमस्टेंसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। संसार में कहीं भी इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच अगर कोई अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है तो ऐसे जहाज के पर रहने वाले कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया जाता है। दूसरा, द अदर अवार्ड गोल टू एन इंडियन वूमेन, और दूसरा जो सम्मान एक भारतीय महिला को दी जाती है, हु हैज फॉट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़ती आई है, लाइक डॉरी एंड डेजर्सन, जैसे दहेज या निर्वसन। दीज अवार्ड कीप अलाइव द मेमोरी ऑफ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ आवर कंट्री, और ये सब सम्मान हमेशा उनको जीवित रखेगा, उनके यादगार उस हमारे देश के सबसे बहादुर स्त्रियों में से एक के यादगारी के रूप में यह सम्मान हमेशा उनको जीवंत रखेगा।